हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रेड 10 साइंस ओके बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक लेट मी आस्क यूर क्वेश्चन डज इट हैपन विद यू दैट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग और आफ्टर यू आर रनिंग वेरी फास्ट यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ यू फील ब्रेथलेसनेस आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं लग जाते ऐसा क्यों होता है Yes, you are right because body needs more oxygen. Okay. But that breathing is actually related to energy. Okay. Are breathing fast? Kyun karte? Because your body needs more energy. Now, how this breathing is related to energy that you will understand in this video. So, watch the complete video so that you feel the connection between breathing and energy. Okay. Chalye. इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जो कईयों को मिसकंसेप्शन होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है सो ब्रीथिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट सो नाउ यू कैन सी हियर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज विद द एन्वायरमेंट ओके हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरमेंट के साथ और ये प्रोसेस होती है लंग्स में वेर इज रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी और ये प्रोसेस होती है आपकी बॉडी के हर एक सेल में ठीक है और ब्रीथिंग में एक्चुअली वी आर एक्सचेंजिंग गैसेस सो दैट वी कैन इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर जबकि रेस्पिरेशन में वो जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है उसको यूज किया जाता है ब्रीथिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है वो एक्सेल किया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किसके वजह से हुआ रेस्पिरेशन की वजह से और इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ओके क्लियर अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं कि जब हम ब्रीथ करते हैं ना एक्चुअली वी ब्रीथ 16,000 थाउजेंड टू ट्वेंटी टाइम्स अ डे एंड ड्यूरिंग विच वी एक्सचेंज अराउंड 11,000 थाउजेंड लीटर ऑफ एयर इंटरेस्टिंग ना ओके नाउ लेटेस्ट कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच दे यूज फॉर ब्रीथिंग ठीक है तो जो पार्ट्स ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे जैसे की हमारे में लंग्स होते हैं वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे फिश में होते हैं गिल्स एम्फीबियंस में होते हैं लंग्स स्किन और गिल्स और प्लांट्स में स्टोमेटा और वर्म्स में होता है मॉइस्ट स्किन ओके तो अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हम इसका ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि जो ये फिजिकल प्रोसेस है वो क्या है तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लंग्स आर लोकेटेड इन द दसिक कैविटी दैट इज द चेस्ट रीजन ऑफ योर बॉडी एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ प्रोटेक्टिव बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज ठीक है और आपको लंग्स के नीचे एक मस्कुलर मेम्ब्रेन दिखाई देगी जो यहाँ पर होती है ये मस्कुलर मेम्ब्रेन कहलाती है डायफ्राम ब्रीथिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जब हम इनहेल करते हैं उसको हम कहते हैं इनहलेशन तो इनहलेशन में क्या होता है जो रिब्स होते हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं और जो डायफ्राम है इट मूव्स डाउन उससे क्या होता है उससे आपके लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं एंड मोर वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड और इस टाइम पे वी आर एक्चुअली टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर ठीक है और जब हम एक्सल करते हैं तो ये रिब्स वापस नीचे की तरफ आ जाते और डायफ्राम वापस ऊपर आ जाता है विच कॉजेज द लंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द बॉडी इज गिवन आउट और यू कैन से वी हैव एक्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ओके ब्रीथिंग मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया तो अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझते हैं ठीक है मतलब उसमें क्या स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें स्टार्ट होता है नोज नेजल कैविटी देन आपका थ्रोट रीजन जिसमें फेरिंग्स और लेरिंग्स आ जाते हैं विंड पाइप ट्रैकिया लंग्स वगैरह कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है चलिए इसको थोड़ा इजी कर देते हैं लुक एट दिस नाउ we डिवाइड divide रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट tract टू two parts the अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड the लोअर वन तो जहाँ पे आपका लेरिंगस आता है ना जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं लेरिंग्स के ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका अपर पार्ट है और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा नोज निजल कैविटी ओरल कैविटी भी और फेरिंगस और जो लेरिंगस है जो वोकल फोल्ड के ऊपर वाला पार्ट है उतना अपर ट्रैक्ट में आ जाएगा और जो लोअर पार्ट है उसमें आ जाएगा लेरिंग्स बिलो द वोकल फोल्ड्स और ट्रैकिया और ट्रैकिया के ब्रांचेस जो होते हैं लंग्स में जाते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तो चलिए पूरी प्रोसेस को समझते हैं लेट इस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज नेजल कैविटी तो हमारे नोज से जब एयर इनहेल होती है इट पास टू द नेजल कैविटी नेजल कैविटी इज द होलो स्पेस जस्ट बिहाइंड योर नोस्ट्रल्स ठीक है इसका जो फ्लोर होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है और जो बेस होता है स्कल्स का इट फॉर्म्स द रूफ एज यू कैन सी इन दिस ओके तो इसका फंक्शन क्या होता है नेजल कैविटी का जब एयर इसमें से पास होगी तो एयर का फिल्ट्रेशन होगा फिल्ट्रेशन कैसे नेजल कैविटी के अंदर एक तो स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं साथ ही में म्यूकस सेक्रेट होता है नेजल कैविटी के वॉल्स से ये क्या करते हैं ये ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पोल्यूटेंट्स पॉलन्स को जो एटमोस्फरिक एयर के साथ अंदर आ सकते हैं उसके अलावा नेजल कैविटी का फंक्शन होता है ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर उससे क्या होगा दिस विल प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेमरेन्स ओके तो नेजल कैविटी से जब एयर एंटर कर जाती है देन इट रीचेज द नेक्स्ट पार्ट बट अपार्ट फ्रॉम नेजल कैविटी देर इज अ सेकेंडरी ओपनिंग ऑल्सो फॉर एयर टू एंटर योर बॉडी दैट इज द ओरल कैविटी सो ओरल कैविटी फॉर्म्स द सेकेंडरी ओपनिंग मतलब हम अपने मुंह से भी सांस ले सकते ले सकते हैं ना लेकिन इसका एक डाउन साइड है डाउन साइड क्या है कि यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता कोई ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता और साथ ही में जो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी नहीं होता पर इसका प्लस पॉइंट क्या है इसका प्लस पॉइंट है वाइडर इनटेक हम ज्यादा एयर इनहेल कर सकते हैं जैसा कि एक्सरसाइज वगैरह करते समय होता है कि हम जल्दी सांस लेने के लिए वी इनहेल थ्रू आवर माउथ ऑल्सो ओके देन आफ्टर दिस

जब हम फेरिक्स को समझ रहे हैं तो हम इसके तीन पार्ट्स कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तीन पार्ट्स हैं जो टॉप मोस्ट ब्लू पार्ट है दैट इज द नेजो फेयरिंग्स उसके नीचे फेरिंग्स, और उसके नीचे लेरिंगो फेरिंग्स नेजो फेरिंग्स नेजल कैविटी के जस्ट पीछे वाला पार्ट है और इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन और स्पीच जो हम बोलते हैं आवाज उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसके जस्ट नीचे जो ओरो फेरिंग्स दैट इज दार्ट बिहाइंड द माउथ ओरल कैविटी के पार्ट उसके पीछे वाला यानी कि यहां से आप माउथ से जो एयर लेते हो इट रीचेज द ओरफेरिंग उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो है लेरिंगो फेरिंग्स लेरिंगोफेरिक्स दोनों ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों में आता है ठीक है तो जब हम इनहेल करेंगे तो एयर कहां जाएगी ट्रैकिया में या इसोफेगस में अफकोर्स ट्रैकिया में वाय बिकॉज ईसोफेगस जो होता है नॉर्मल कंडीशन में कोलैप्स्ड रहता है ओके okay? तो लेरिंगो फेरिंग से एयर हमारी एंटर कर जाएगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में और नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रैकिया तो लेरिंगो फेरिंग से जब एयर ट्रैकिया में एंटर करती है तो यहां पर बीच में एक पिंक कलर में आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है इसका नाम है एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है जब आप फूड को स्वेलो करते हैं तब ये ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप के जैसे बंद हो जाता है उससे जो फूड है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं कर पाता अदरवाइज इट कूड एंटर द ट्रैकिया और द लंग्स सो टू स्टॉप दैट एपिग्लॉटिस क्लोजेज द ट्रैकिया एंड द फूड गोज इनसाइड द इोफेगस यू कैन सी इन दस ओके देन द नेक्स्ट पार्ट वेर द एयर एंटर्स

ट्रैकिया ट्रैकिया इज ए मस्कुलर ट्यूब विच इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय ट्वेंटी सी शेप्ड कार्टेलेजेस ओके इन कार्टेलेजेस का फंक्शन क्या होता है ये ट्रेकि को रिजिड बनाते हैं सो दैट द ट्रैकिया रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम अदरवाइज क्या होगा जब आप इनहेल या एक्सेल करेंगे ट्रैकिया कोलेप्स हो सकता है ओके सो ट्रैकिया के बाद एयर एंटर करती है टू ब्रांचेस में और वो ब्रांचेस कहलाते हैं ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई एंटर कर जाते हैं हमारे लंग्स में ओके सो नाउ कमिंग टू लंग्स देर आर टू लंग्स इन अ बॉडी एंड आई टेल यू फैक्ट दैट अ राइट लंग इज लिटल लार्जर देन द लेफ्ट लंग ओके लंग्स कोनिकल शेप्ड होते हैं और इनका जो बेस होता है वो डाइफ्रैम के ऊपर होता है तो जब ये ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करते हैं तो ये और स्मॉल uh, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकि ब्रोंक्यूल्स आर देन फर्दर कनेक्टेड टू स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स यानी बलून या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जाता है एलवियोलाइ ओके सो यू कैन सी हियर दैट आफ्टर यू इनहेल एयर Air uh, passes to the pharynx, then to the larynx, then to the trachea. Trachea se bronchi और bronchi se bronchioles, and then finally it reaches the alveoli. Alveoli are the site for gaseous exchange. yani ki जो gases exchange होती है क्योंकि जो हमने inhale किया था वो oxygen rich air थी और जो हमें exhale करनी है वो carbon dioxide rich air जो है वो हमें exhale करनी है तो ये जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो एल्वियोलाई पे होता है ये जो एलवियोलाई होते हैं ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं विद ब्लड कैपिलरीज। तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है आपको इट इज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां देगा ऑक्सीजन ले, ले लेते हैं आरबीसी और वो रेड कलर के हो जाएंगे और ये होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एक्सचेंज क्यों हो पाता है डिफ्यूजन की वजह से क्योंकि जो एल्व्यूलर जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है और जो ब्लड में एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एक्सचेंज हो जाता है और जब ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है दिस ब्लड फाइनली रीचेज योर हार्ट एंड देन द हार्ट सर्कुलेट्स दिस ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी और जब ये हर सेल में ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है तब डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में जो कि हमारी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की तो इस तरह से बच्चों कनेक्शन था ब्रीथिंग का विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सो दिस वॉज आर रेस्पिरेटरी सिस्टम आई होप यू एव अंडरस्टैंड इट क्लियरली